नमस्कार साथी, शेष भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं हर्ष भारद्वाज। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सुपरमैसी दिखाई है। सरकार जब कह रही थी कि पॉलिटिकल पार्टियों को कहां से चंदा मिल रहा है ये जानने का हक जनता को नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि सरकार की ये दलील गलत है, इसे खारिज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासत तेज हो गई है। विपक्ष इसे लोकतंत्र की जीत बता रहा है, तो सत्ता पक्ष की तरफ से अभी इस पर ज्यादा नहीं बोला जा रहा। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ ही गया है, तो हम आपको बता देते हैं कि आखिर किस पार्टी को कितना चंदा मिल रहा था। कहीं चुनावी चंदे के पीछे काला धंधा तो नहीं था, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में किया है। चुनावी चंदे के बारे में आपको जानने का अधिकार मिल गया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अभी तक इस पर कुछ संस्थाओं के मार्फत छन छन कर जानकारी आती थी। चुनाव में खर्च और पारदर्शिता पर नजर रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR की रिपोर्ट इस बारे में कहती है कि साल 2022-23 में इलेक्ट्रोलर बॉन्ड्स के जरिए कॉर्पोरेट डोनेशन का 90% हिस्सा BJP को मिला। 2022-23 में राष्ट्रीय पार्टियों को 850 करोड़ रुपए का चंदा मिला। इसमें से BJP को 719 करोड़ 85 लाख रुपए मिले थे और कांग्रेस को 89 करोड़ 92 लाख रुपए मिले। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष के नेता और वकील सबसे ज्यादा BJP पर हमलावर हैं। ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम है और सुप्रीम कोर्ट ने जो आज रद्द की है, तीनों इनकम टैक्स, कंपनीज एक्ट एंड रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट की अमेंडमेंट रद्द कर दी है, तो अब क्या होगा कि 3 हफ्ते में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जानकारी है कि किन किन लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे और किस पार्टी को दिए गए, वो सारी जानकारी 3 हफ्ते में इलेक्शन कमीशन को दी जाएगी। और एक हफ्ते के बाद ये इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे उसको रखेगी। मोदी जी हमेशा कहते रहे हैं कि कहाँ है स्कैम, वो BJP के खिलाफ तो ये साबित हो गया, कहाँ है स्कैम, ये तो आपके द्वारा ही है स्कैम किया हुआ। ये तय बात है कि जो पार्टी में रहता है उसे ही सबसे ज्यादा चंदा मिलता है। लेकिन सवाल ये है कि काले धन पर सबसे ज्यादा मुखर रही BJP पिछले 10 साल में इस मुद्दे से कन्नी क्यों काटने लगी। केंद्र में BJP की अगुवाई में ताकतवर सरकार है, फिर ट्रांसपेरेंसी की वकालत करने वाली सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये क्यों कहा गया कि चुनावी चंदे के बारे में जानने का जनता को हक नहीं है। BJP जिस तरह बड़े पैमाने का कार्यक्रम करती है, उससे जनता के दिमाग में ये बात जरूर आ रही थी कि पार्टी के पास आखिर इतना पैसा आता कहां से है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री की एक रैली और रोड शो में कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और पार्टी का दावा होता है कि ये पैसा पार्टी फंड से खर्च किया जाता है। तो साथियों, चुनावी रैलियों में इतना सारा जो खर्चा होता है वो राजनीतिक दलों का दावा है कि वो अपने पार्टी फंड से करती हैं। किसी राजनीतिक पार्टी में फंड कहां से आता है? चुनावी चंदे से, 2018 से चल रही इलेक्ट्रोरल बॉन्ड स्कीम से, जिसमें राजनीतिक दलों को गुमनाम चंदा मिलने का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस योजना को असंवैधानिक करार दिया है। इस योजना को सुप्रीम कोर्ट में 4 जनहित याचिकाओं के जरिए चुनौती दी गई थी। ये याचिकाएं कई साल से सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी। इस साल 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले गोपनीय चंदे से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के लिए 5 जजों की एक बेंच बना दी, जिसने जब फैसला सुनाया तो सबसे ज्यादा झटका BJP को लगा। We practice in the courts daily and on a daily basis, cases are won, cases are lost, and what the Supreme Court, Honorable Supreme Court has said today is basically held that in the electoral bonds, the information should come out. The larger perspective is that this has been a journey for several decades and the concern has been how to prevent black money or slush money getting into the electoral process. Keeping concerns regarding identities of the contributors in mind, a scheme came. The Honorable Supreme Court has held that this scheme in this format could not have been there. So therefore, it has passed a set of directions. Now, any order of the Supreme Court or judgment has to be accepted, has to be respected. Supreme Court ne ek aitihasik nirnay diya hai aur Bharatiya Janata Party ki black money conversion scheme, yani electoral bond scheme ko kharij kar diya. कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ये मांग करती आ रही है, देश के अनेकों नागरिक और संगठन ये मांग करते आ रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम काले धन को सफेद करने का गोरख धंधा है।
वोट के बदले में, नोट के बदले में वोट का एक गोरख धंधा। संविधान पीठ के सामने सुनवाई से पहले सरकार का पक्ष रखा गया, जिसमें अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर कहा कि लोगों को राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे के बारे में जानने का अधिकार नहीं है। अरे भाई, ये तो गजब था। सरकार को हमारी आपकी कमाई का पाई पाई हिसाब चाहिए, और जब जनता पूछने लगे कि पार्टियों को पैसा कहां से मिल रहा है, तो सरकार की तरफ से इस तरह की दलील। ये बात देश को कुछ जम नहीं रही थी। सरकार का जवाब, मतलब सरकार चलाने वाली पार्टी का जवाब माना जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी में मोटे तौर पर सन्नाटा है। अमित शाह और जेपी नड्डा से लेकर बीजेपी के कई नेता दावा करते हैं कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। ठीक है भाई, सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है तो सबसे बड़ा चंदा भी उसी को मिलेगा। किसी पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा मिले या सबसे कम, ये उसे मुबारक। लेकिन जनता तो सिर्फ ये जानना चाहती है कि आपको ये गुमनाम चंदा दे कौन रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिकाओं में कहा गया था कि चुनावी बॉन्ड योजनाओं के जरिए राजनीतिक पार्टियों को पिछले 10 साल में 12,000 करोड़ से ज्यादा का गुमनाम चंदा मिला है, जिसका 2/3 यानी करीब 8,000 करोड़ सिर्फ बीजेपी को मिला। अब भाई, जनता के पास तो कोई CBI, ED या कोई और एजेंसी है नहीं जिससे वो पता कर सके कि फला राजनीतिक पार्टी को मिलने वाला कितना चंदा काला धन है, कितना किस कॉरपोरेट का पैसा है जिसने एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से सरकार से उससे कई गुना ज्यादा का काम करा लिया। ये बात हम नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कह रहा है। जनता के पास तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही है जो नीति याचिका का ही सहारा है, जिसने इस देश की जनता का कानून और संविधान पर भरोसा और बढ़ा दिया है। मेरे साथ इस खबर में अभी बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।